गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स के यूपीएससी हिंदी के इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस सेशन में केमिकल वेपन्स पर डिस्कस करेंगे, रासायनिक हथियार के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और रासायनिक हथियार के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर क्या कानून बनाए गए हैं और कौन संस्थाएं उसके लिए काम करती हैं। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एसेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्द से डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर अनअकैडमी का जो है वो मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसी से आप जुड़ जाएंगे। इससे आपको प्रॉपर मेरे पीडीएफ, मेरे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे और आप अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स भी यहाँ से क्लियर करा सकते हो। अनअकैडमी का मेरा नीचे प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जुड़ करके मेरे स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हैं और मेरे पुराने कोर्सेज को आप देख सकते हैं और अपकमिंग कोर्सेज के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। और दूसरी चीज़ आपको जानना ये है कि अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको टॉप एजुकेटर से भी पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर अनअकैडमी के यूपीएससी सीएसई हिंदी के लिए बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस उपलब्ध हैं, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग अलग कोर्स के लिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, आर्ट, कल्चर एंड आंसर एंड राइटिंग। यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स 1 मंथ से लेकर के 3 साल के अलग अलग कोर्सेज हैं। 1 ईयर की फीस 9,000 रुपीज़ है, 3 मंथ की 22,500, 6 महीने की 40,500 रुपये है, 1 साल की आपकी 49,500 रुपीज़ है, 24 मंथ की आपकी 72,000 रुपीज़ है और 3 साल की आपकी 90,000 रुपये है। ये सभी कोर्सेज अगर आप SS01 रेफरल कोड से सब्सक्राइब कराते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 1 ईयर की फीस जो आपकी होगी 44,550 की हो जाएगी। 6 मंथ या उससे ऊपर के सभी कोर्सेज जो है वो नो कॉस्ट EMI पर अवेलेबल हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस स्पेशल क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर आइकॉनिक कोर्स 3 तरह के हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के। 1 ईयर का जो आइकॉनिक कोर्स है वो आपका 69,500 का है, 2 ईयर का 1,07,000 का है और 3 मंथ का आपका 1,41,000 का है। अगर ये 1 ईयर का कोर्स आप मेरे रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की हो जाएगी। ये आपका जो कोर्स है आइकॉनिक कोर्स, इसमें लाइव प्लस कोर्सेस की फैसिलिटी के साथ साथ आपको इसमें पर्सनल कोच प्रोवाइड होते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, स्टडी प्लान आपको दिए जाते हैं और आपको पर्सनलाइज फीडबैक किया जाता है। तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कराएं आप लोग। प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी आप सब्सक्राइब कराएं। अनअकैडमी के कॉम्बैट सेशन में आपको यहाँ पर एक गेमीफाइड बैटल स्टार्ट किया गया है 6 दिसंबर से 11 बजे से। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर को 11 बजे से एक गेमीफाइड कॉम्बैट बैटल स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है वो हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और एक प्रकार का क्विस्ट होता है, ये कंटेस्ट है। इसमें भाग लेने वाले को बेहतरीन क्वेश्चंस, टाइम एक्यूरेसी और एक प्रकार से जो है टेस्ट देने का जो माहौल होता है वो उनको मिलेगा और वो अपने को इवेलुएट कर सकते हैं। इन सबसे ज़्यादा कहीं पर उनको जो है वो अमेजिंग जो है वो प्राइज़ भी मिलते हैं, जैसे आपको बताया जाएगा अभी कौन कौन से प्राइज़ किसके लिए मिलेंगे। इस कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है उसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें 45 मिनट का कंटेस्ट होगा और 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इसमें 6 सेक्शंस होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होंगे और सभी की रिलेटिव स्कोरिंग होगी। ये आपके जो 12 कॉम्बैट्स होने वाले हैं जिनमें से आपका 1 हो चुका है 6 दिसंबर को, अगला आपको 20 दिसंबर को होगा, उसको आपको ध्यान रखिएगा। ये 4th नाइटली कंटेस्ट होता है, यानी कि पाक्षिक होता है, 15 दिन पर एक बार होगा ये, इसको आपको ध्यान रखना है और ये यानी अल्टरनेट संडे को होगा ये। संडे को होगा, अल्टरनेट संडे को इस पे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। सबसे पहले आपको जानना है यहाँ पर कि अमेजिंग प्राइज जो है, फर्स्ट रैंक लाने वाले को एप्पल की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाएगा, सेकंड प्राइज लाने वाले को एप्पल की तरफ से आईपैड मिनी दिया जाएगा, थर्ड रैंक लाने वाले को एप्पल की तरफ से एयरपॉड दिया जाएगा और 100 रैंक लाने वाले सभी लोगों को, 1 से 100 तक के सभी रैंक वालों को 1000 रुपये का अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है केमिकल वीपन्स, यानी कि रासायनिक हथियार पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और रासायनिक हथियार को हम लोग आज पढ़ेंगे, केमिकल वीपन्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल वीपन्स। रासायनिक हथियार क्या होते हैं? तो कोई भी जहरीला रसायन होगा, कोई भी रसायन हो जो मनुष्य के संपर्क में आने पर मृत्यु हो जाती है, चोट हो जाती है, संवेदी जलन होते हैं या पैदा करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक हथियार कहेंगे। इसे तोप के गोले के द्वारा, रॉकेट के द्वारा या बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इसको हम छोड़ सकते हैं या तैनात कर सकते हैं। और इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किसी भी रूप में, ठोस के रूप में हो सकते हैं, तरल के रूप में हो सकते हैं या गैस के रूप में भी हो सकते हैं। ये रासायनिक पदार्थ इतनी तेजी से फैलते हैं कि कुछ ही मिनटों में हजारों जीवन ये ले सकते हैं, हजारों जिंदगियां ये तबाह कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने माना है कि रासायनिक हथियारों के इतने ज्यादा भंडार पृथ्वी पर हो गए हैं कि पृथ्वी पर जीवन का कई बार अंत कर सकते हैं। यानी कि इतने ज्यादा हथियार हैं, रासायनिक हथियार दुनिया में डेवलप कर लिए गए हैं कि पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जाता है। पृथ्वी पे जो लाइफ है उसको कई बार हम नष्ट कर सकते हैं। तो एक मोटे तौर पर अगर आपसे देखा जाए तो आप ये जानेंगे कि अगर कोई भी केमिकल जो डेथ, मास डेथ कॉज करता है, कोई अगर आपको जो है वो चोट पहुंचाता है या आपको जो है वो इरिटेशन होता है, संवेदी सेंसेबल जो है वो बर्निंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो क्या होते हैं? केमिकल वीपन्स होते हैं। केमिकल वीपन्स को किस तरीके से हम छोड़ सकते हैं? बड़े लेवल पर हम बैलिस्टिक मिसाइल से या रॉकेट छोड़ सकते हैं, तोप के गोलों छोड़ सकते हैं। ये ठोस, तरल और गैस सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। केमिकल अटैक होता क्या है? रासायनिक हमला जो होता है वो विषैले तरल, ठोस या गैस का जानबूझकर रिलीज हो किया जाए जो पर्यावरण के साथ लोगों को भी जहर दे सकता है। यानी कि ऐसी तकनीक या ऐसा व्यवस्था जिसमें जानबूझकर विषैले पदार्थों को छोड़ दिया जाए, ठोस की अवस्था में, द्रव की अवस्था में या गैस की अवस्था में, और ये गैसें पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के शरीर में भी जहर फैला देती है। तो केमिकल अटैक के लिए मुख्य रूप से जिन रसायनिकों का यूज किया जाता है उनमें जहरीली गैस ऑक्सीम होती है, लेविसाइट हो सकती है, मस्टर्ड हो सकता है। मस्टर्ड दो प्रकार के होते हैं, मस्टर्ड गैस, सल्फर मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड। सरीन हो सकता है, ये भी केमिकल वीपन के रूप में यूज कर सकते हैं। जहरीली गैस क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग कर सकते हैं, फास्जीन का यूज कर सकते हैं और डाइफास्जीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। इतनी चीजों का उपयोग हम लोग, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मुख्य रूप से हम केमिकल अटैक में इन केमिकल्सों का यूज किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो रासायनिक हथियार होते हैं हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो जब भी कोई केमिकल वीपन इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो उसमें जहरीली गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है या कोई भी लिक्विड होता है। न केवल सीमित आबादी को बल्कि दुनिया की अन्य आबादी को भी ये प्रभावित कर सकता है। इसमें क्या होता है, लोगों में सांस लेने की समस्या सबसे प्राथमिक समस्या इसमें आती है, घुटन होती है और संवेदी जलन होने लगती है। कई बीमारी हो जाती हैं जो तंत्रिका तंत्र के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। आंखों में जलन, आंखों से पानी निकलने लगता है। ऐसे रसायन रक्त से संक्रमित होते हैं, जो ब्लड संक्रमण कर देते हैं, नाक से पानी की अधिकता होने लगती है और मृत्यु का कारण बनते हैं। एक प्रकार से शरीर में जो है मुख्य रूप से रिस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और आपकी स्किन को और ब्लड को, ये सभी चीजों को जो है क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। और एक जोखिम हो सकता है कि जब ये रसायन जमीन में चले जाते हैं और फूड चेन को जो है प्रभावित कर देते हैं, तो एक और बड़ी समस्या आती है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होता है वो केमिकल के संपर्क में आने पर उसमें जहर फैल जाता है। तो अगर कोई भी केमिकल जमीन में चला गया है तो पूरे पूरे इकोसिस्टम में जो आपकी फूड चेन होती है उसको नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है कि पूरा पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो सकता है रासायनिक हथियारों के प्रभाव से। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम जो है आईआईटी, इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें ये बताया था कि वर्ष 2017 में जो सीरियाई युद्ध के समय 3 बार रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है ये, जो ये पता लगाती है कि केमिकल वेपन्स का उपयोग कहां कहां हुआ है। तो वर्ष 17 में सीरियाई युद्ध के दौरान 3 बार रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। 24 मार्च 2017 को, 25 मार्च 2017 को और 30 मार्च 2017 को 3 बार जो है वो केमिकल वेपन्स का उपयोग किया गया था, ऐसा आईआईटी के द्वारा कहा गया है। सीरियाई वायुसेना के SU-22 सैन्य विमान, याद रखिएगा SU-22 एक सैन्य विमान से दक्षिणी लतामीना में एक M-4000 हवाई बम गिराया गया था और इसमें सरीन का जो है उपयोग किया गया था। सरीन क्या एक प्रकार केमिकल होता है, एक प्रकार का रासायनिक हथियार, ध्यान रखिएगा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो काफी ज्यादा जो है एक विषैला पदार्थ होता है। तो इसका प्रयोग किया गया था पहले बार बम गिरा करके M-4000 का। दूसरी बार जो है सीरियाई वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लतामीना अस्पताल पर एक सिलेंडर गिराया गया जिसमें क्लोरीन गैस था। तो दूसरे दिन क्या गिराया गया, क्लोरीन गैस। तो पहले दिन सरीन गिराया गया, दूसरे दिन क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया। और 30 मार्च को सीरियाई वायुसेना के फिर से SU-22 ने दक्षिणी लतामीना में सरीन युक्त M-4000 हवाई बम गिराया था। तो फिर से सरीन, तो एक दिन गिराया था इन्होंने आपका क्लोरीन गैस और 2 दिन गिराया क्या यहाँ पर सरीन गैस। ये आपको ध्यान रखना, अलग अलग जो है दिन इसको गिराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से प्रमुख रासायनिक हथियार हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं या लोग करते हैं या करते आ रहे हैं, तो उसमें पहला आपका है VX, एक प्रकार का नर्व एजेंट होता है ये। इसका केमिकल नाम होता है ऑर्थो इथाइल एस डाई आइसोप्रोपाइलामिनोमिथाइल मिथाइल फास्फोनेथियोलेट। तो वो इतना आपसे नहीं पूछेगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास का एक कंपाउंड है, आप ध्यान सकते हो। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास का एक कंपाउंड होता है जो बहुत ही जहरीला रासायनिक मिश्रण है और ये देखने में थोड़ा सा ऑयली दिखता है। VX जो होता है थोड़ा देखने में ऑयली होता है। इसमें कोई भी गंध नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है। और इसका जो है वो कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको तैयार किया गया था। ये जो होता है शरीर के, इंसान के शरीर के तंत्रिका तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और काफी लंबे समय तक ये स्थिर रहता है, जिसके कारण त्वचा, कपड़े और ये दूसरी चीजों से चिपक जाता है और लंबे समय तक उसके संपर्क में रहता है। उसकी खुद ही आयु भी बहुत अधिक लंबी होती है और इसकी कुछ ही सेकंड में इसकी छोटी सी डोज असर दिखाना शुरू कर देती है। पीड़ित का दम घुटने लगता है, दिल काम करना बंद कर देता है और तुरंत ही मौत हो जाती है। तो VX ध्यान रखिएगा बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ दिल को काम करना बंद कर देता है, दम घुटने लगता है और तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो ये उसका फार्मूला ध्यान रखिएगा VX का। एक ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्लास का कंपाउंड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। VX नर्व एजेंट कहते हैं इसको, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है वो आपको कौन सा है, सरीन है। सरीन का फार्मूला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सरीन का फार्मूला है। सरीन जो है 1938 में कुछ जर्मन के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया था। 1938 में जर्मनी में सरीन का निर्माण किया गया था। इसको भी पहले कीटनाशक के रूप में हानिकारक कीटों को मारने के तैयार किया गया था। ये भी एक प्रकार की नर्व गैस ही है। ये भी क्या है प्रकार की, जैसे आपकी VX थी नर्व गैस, वैसे ये भी क्या है प्रकार की नर्व गैस। वेपराइज होने के कारण आसानी से गैस बदल जाता है। इसमें भी कोई भी गंध नहीं होती है और कोई भी रंग नहीं होता है। ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होता है, ये अस्थिर होता है, जिसके कारण जल्द नुकसान रहित यौग को बदल जाता है। यानी कि ये तुरंत जो है वो क्या करेगा, नुकसान करेगा तो करेगा, नहीं तो तुरंत जो है वो क्या कर देता है, इसके नुकसान करने की कैपेसिटी तुरंत खत्म हो जाती है। इसका जो प्रभाव है वो तंत्रिका तंत्र पर ही देखा जाता है। इसमें पीड़ित की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, नाक और आंख से पानी गिरने लगता है और मौत हो जाती है। तो सरीन काफी खतरनाक गैस है, इसको आपको ध्यान रखना है केमिकल। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है सरीन के बारे में। नेक्स्ट आपका है ताबुन। ताबुन जो है वो 1936 में श्रेडर ने इसकी खोज की थी। श्रेडर ने इसकी खोज 1936 में की थी। इसका लिक्विड रूप जो होता है फलों जैसी गंध देता है, यानी कि फ्रूट स्मेल इसमें आती है। आज तक अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके सूंघने से या त्वचा के संपर्क में आने से शरीर में चली जाती है और सरीन जैसा ही लक्षण ये देती है। इसके लक्षण सरीन जैसे होते हैं, लेकिन ये इसमें जो गंध होती है वो फल जैसी होती है और सूंघने से या त्वचा के संपर्क में आने से शरीर के अंदर पहुंचती है। इसका जो फार्मूला होता है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका सरीन का ताबुन का फार्मूला है। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये ताबुन का फार्मूला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लगा हुआ, यहाँ पे CH3 वाला कंपाउंड लगा होता है, यहाँ पर CH3 लगा होगा, यहाँ पर भी आपका CH3 लगा। ये आपका ताबुन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा आपका है मस्टर्ड गैस। इसका पहली बार इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड गैस का सबसे पहले उपयोग कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ये गैस कपड़ों को छेद कर त्वचा में चली जाती है, इतनी खतरनाक होती है। पीड़ित के शरीर में, आंखों में, श्वसन तंत्र में, त्वचा में और कोशिकाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस गैस के त्वचा के संपर्क में आने से खुजली और जलन होने लगती है, त्वचा लाल हो जाती है, फफोले निकल आते शरीर पे, लगता जल गए हैं आप, इस तरह से। ये शरीर धीरे धीरे असर करता है, एक धीमे जहर की तरह बहुत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभावित व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, ये भी समस्या इसकी होती है। यदि ये गैस नाक के रास्ते अंदर जाती है तो जानलेवा हो सकती है, क्योंकि फेफड़ों के ऊतकों को नष्ट कर देती है। तो फेफड़ों के ऊतकों को भी ये नष्ट कर देती है, ये भी खतरनाक होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि सरीन मस्टर्ड गैस जो है, ये इसका फार्मूला अगर आप देखना चाहें तो ये होता है इसका फार्मूला। ये आपका मस्टर्ड गैस का फार्मूला है। Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl, इस तरह से। इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन है CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl, इस तरह से। अगला है फास्टजेन गैस। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक और इंसेक्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी खतरनाक केमिकल वेपन्स होता है। ये व्यक्ति के संपर्क में आता है तो सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, नाक बहना शुरू हो जाती है और कफ बन जाता है। इस तरह की समस्याएं जो इससे उत्पन्न होती हैं। तो फास्जीन गैस, ये फार्मूला इसका होता है C डबल बॉन्ड ClCl। ये फास्जीन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड ClCl। कार्बन से और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा और दो क्लोरीन जुड़ा होगा। ये फास्जीन गैस होती है। इसका उपयोग जो है प्लास्टिक के निर्माण में और कीटनाशक के निर्माण में किया जाता है। और ये संपर्क में आने पर सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, नाक बहने लगती है और कफ का निर्माण करने लगता है। इस प्रकार के इससे जो है रिस्क डेवलप होता है। अगला आपका है क्लोरीन। इसका इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है, रबर बनाने में किया जाता है, साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाने पर यह जानलेवा हो सकता है। क्लोरीन का अपना अलग आर्थिक महत्व है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है। इसका क्लोरीन का मुख्य प्रभाव कहाँ पड़ता है? फेफड़ों पड़ता है। और बहुत ही कम समय में पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका जो है ये फार्मूला है क्लोरीन जो यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। CWC, के हस्ताक्षरकर्ता, इसमें ये बताया गया है कितने देश ऐसे हैं जो केमिकल वेपन कंट्रोल जो आपका है उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो CWC के हस्ताक्षरकर्ता 192 देशों में से अल्बानिया, भारत, इराक, लीबिया, रूस, सीरिया और अमेरिका रासायनिक हथियार देश धारक देश हैं। 192 देशों ने हस्ताक्षर किया है। इनमें से अल्बानिया के पास, भारत के पास, इराक के पास, लीबिया के पास, रूस के पास, सीरिया के पास और अमेरिका के पास रासायनिक हथियार मौजूद हैं। ये उन्होंने जो है दावा किया है। अन्य देशों के पास भी हैं, लेकिन ये लोगों ने दावा किया है। इनमें से अल्बानिया, भारत, लीबिया, रूस और सीरिया द्वारा रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की घोषणा की गई है। इन लोगों ने कहा है कि हम अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट कर देंगे। लेकिन सभी विश्व के देशों को इस तरह की घोषणा करनी चाहिए और उसके लिए जो सकारात्मक परिणाम भी उसके आने चाहिए और भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक हथियार या कोई भी हथियार जो है वो मानव जाति के लिए खतरा है। अगर उसका उपयोग करते हैं तो स्वभावतः मानव जाति का ही समापन होना है। तो OPCW जो केमिकल वेपन प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक संपूर्ण विश्व के कुल 72,304 रासायनिक हथियारों में से लगभग 96.27 यानी कि 69,610 को सच में नष्ट कर दिया गया। ऐसा बता रहा है कि लगभग जो है जितना भी केमिकल था दुनिया में रसायन, उसका 96.2% को नष्ट कर दिया जा चुका है। ये दावा करता है OPCW। तो अच्छी बात है, अगर इस प्रकार के केमिकल वेपन्स को नष्ट किया जा रहा है तो एक सकारात्मक रणनीति कह सकते हैं। दुनिया में जो है इस प्रकार के खतरे से बचने का प्रयास किया जाएगा। ये अगर कहा जाए कि अभी तक किसने रासायनिक हथियार का उपयोग किया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में क्लोरीन और फास्जीन गैसों का इस्तेमाल किया गया था। 80 के दशक के युद्ध के दौरान इराक और ईरान में रासायनिक हथियारों तथा 88 में कुर्द निवासियों के खिलाफ मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 94 में जापान में सरीन गैस के इस्तेमाल से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 500 लोग प्रभावित हुए थे। और 95 में टोक्यो मेट्रो में हुए एक सरीन हमले में 12 लोग मारे गए थे, जबकि 50 लोग घायल हो गए थे। और 2017 में आपने देखा सीरिया में, 2017 में सीरिया में आपने देखा 24 मार्च को सरीन का गैस का इस्तेमाल किया गया, 25 मार्च को क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया और 30 मार्च को जो है वो क्या किया गया आपका, फिर से सरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी कम बार जो है रासायनिक का उपयोग किया गया है, लेकिन इसके उपयोग करने की जो मंशा है या उसके पीछे जो रणनीति है वो हमेशा दूसरे को डराने के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो इन सबको दूर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बेहद खतरनाक परिणाम सामने आए थे। इसके बाद से इन हथियारों पर रोक लगाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई, परंतु इन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया सका। 1980 तक में इराक द्वारा खाड़ी युद्ध में ईरानी सेना और कुर्दों के विरुद्ध रासायनिक हथियारों का उपयोग किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस संबंध में गंभीरता से प्रयास आरंभ किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 1997 में CPW अस्तित्व में आया। अमेरिका समेत विश्व के 192 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था OPCW विश्व में रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए काम कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल वीपन जो है वो रासायनिक हथियारों को खत्म करने का काम कर रही है। हेग में स्थित इस संस्था के शांति के प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2013 में इस संस्था को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है आपको कि 2013 में जो है वो केमिकल वीपन को खत्म करने के लिए संस्था जो काम कर रही है तो विश्व में शांति लाने का काम कर रही है, इसके लिए इसको 2013 का पुरस्कार भी दिया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल। क्या होता है तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र संस्था है और CWC के प्रावधानों को नियंत्रित करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 29 अप्रैल 1997 को अस्तित्व में आया था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका सिंबल है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन, ये इसका सिंबल है, ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना 1997 में किया गया था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ये संस्था दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने, उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल, उत्पादन एवं भंडारण का निषेध करती है। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वीपन में 192 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं जो वैश्विक आबादी के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं। रासायनिक हथियार अभिसमय के सभी 190 सदस्य देश स्वाभाविक रूप से OPCW के सदस्य बन गए हैं। इजरायल और म्यांमार गैर सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। इजरायल और म्यांमार ने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रासायनिक हथियार असमय की पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर अंगोला, मिस्र, उत्तर कोरिया, दक्षिण सूडान ने न तो रासायनिक हथियार अब समय हस्तांतर किए हैं और ना ही इसको माना है। तो इस ऑपरेशन को कौन मान नहीं रहा है किसी तरीके से, तो अंगोला हो गया, अंगोला हो गया आपका, अंगोला हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, साउथ सूडान आपका हो गया, ने न तो रासायनिक हथियार अब समय पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसका उसको माना है। 14 जनवरी 1993 को भारत CWC के लिए एक मूल हस्ताक्षरकर्ता बना था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1993 में ही कर दिया था। ये आपको जान के जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस किया पूरा आपका कि रासायनिक हथियार क्या होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, ये हमने देखा। और 17 में जो सीरिया युद्ध में 3 बार इसका उपयोग किया गया था, ये आपने जाना। कौन कौन से होते हैं, तो VX होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, VX होते हैं, है ना, VX होता है आपका, सरीन आपका होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ताबुन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, मस्टर्ड गैस का उपयोग विश्व युद्ध में पहली बार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में, फास्जीन गैस, इसको भी आपको याद रखना है, और आपका क्लोरीन गैस, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद CWC जो है वो 192 देशों ने किया है, इसमें भारत ने 1993 में कर दिया था। और OPCW के मुताबिक जो है वो लगभग 97.27% लोगों ने इस जो है परसेंट जो है वो दुनिया का जो रासायनिक केमिकल्स हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। प्रथम युद्ध में उपयोग हुआ था, 1980 के खाड़ी युद्ध में इसका उपयोग हुआ था। 94 में जापान में सरीन गैस का इस्तेमाल कर दिया गया था और 95 में टोक्यो मेट्रो में एक सरीन गैस का हमला हो गया था। और 2017 में बताया मैंने आप लोगों को कि सीरिया में जो है वो अटैक किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ये काम करती है 97 से। इसका मुख्यालय द हेग में है और ये जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो केमिकल रसायन को नष्ट करने का प्रयास करती है। इसके लिए इसको जो है 2013 का शांति पुरस्कार भी नोबेल दिया गया था। 192 देशों में इसमें जो सदस्य हैं, जिसमें सभी लोगों ने इस पर 90 देशों ने स्वाभाविक रूप से इसका सदस्य बन गए हैं। इसराइल और म्यांमार जो है वो गैर सदस्य हैं, मतलब सदस्य होने के बाद भी इसमें जिन्होंने रासायनिक हथियार अब समय की पुष्टि नहीं की है। जबकि अंगोला, मिस्र, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ने न तो रासायनिक हथियार अब समय पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसको माना है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 जनवरी 1993 को भारत CWC के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्यकर्ता देश बन गया। तो ये थी आज की आपकी कहानी पूरी, इसको आप अच्छे से देखिएगा। रासायनिक वेपन्स कौन कौन से होते हैं, ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है, इससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि मेरे और वीडियोस की PDF और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये मेरा रेफरल कोड SS01 है, इससे अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।